हेलो दोस्तों, हिंट टेक्निकल वर्क से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपना एक प्रोडक्ट आपको लेकर आए हैं आपके लिए। देख सकते हैं आप कि अपना कार्ड इंक्यूबेटर और चिलर कम्बाइंड वाला हमने बनाया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लुकिंग इसकी है। फुल एस एस बॉडी है, 304 SS में हम लोग बनाते हैं, 202 में बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डबल फंक्शन के अंदर ये काम करता है। इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों कंबाइंड चीजें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा हीटिंग वाला है इसका सेक्शन, इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये हीटर इसका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा 4 घंटे हम इसको हीटिंग पे करेंगे, फिर उसके बाद में ये अपना दूसरा है कूलिंग सिस्टम, इसको ऑन करेंगे तो अपना ये कूलिंग टेम्परेचर यहाँ पर शो करेगा। जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये इसका यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा, इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको सेट करेंगे वहाँ पे आके ये कट हो जाता है। इसका एक वोल्टेज मीटर है, इसका ये मेन ऑन है। जैसे ही कंप्रेशर को ऑन करेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी, और जब कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा ये कंप्रेशर ऑन की लाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से इसमें ये वर्क होता है, जैसे ही हमने इसको ऑन किया हीटर को, यहाँ पर इसका टेम्परेचर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में इसका यहाँ पर मेन लाइट स्टार्ट हो जाएगी, और जब हीटर ऑन हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, तब ये हीटिंग वाली लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं 40 to 45 degrees पे हम लोग इसको सेट करना होता है। 4 घंटे के लिए हमें इंक्यूबेशन इसका स्टार्ट करना होता है। जब 4 घंटे हो जाते हैं तब इसका चिलर इसको स्टार्ट करना होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये इसका दरवाज़ा है डोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये हीटिंग वाला कूलिंग वाला इसका सेक्शन है, ये वाला एक्सल फैन लगा हुआ है। फिर सामने देख सकते हैं ये हीटिंग वाला सेक्शन है इसका, ये हीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये रैके हैं, इसके अंदर 3 खाने हैं, 150 kg तक माल इसके अंदर आराम से आ जाता है। ये 5 kg वाला मटका होता है, आप देख सकते हैं ये 5 kg वाला दही का मटका है। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दूध को बॉइल करना होता है 85 degrees पे। जब अपना दूध 85 degrees पे बॉइल हो जाएगा उसके बाद में हमें उसे कल्चर ऐड करना है। 45 लेके आएंगे पहले दूध को, तब उसमें हमें कल्चर ऐड करना है। जब कल्चर ऐड हो जाएगा फिर उसके बाद में हम ये इस टाइप के मटके आते हैं, 5 kg, 15 kg, 20 kg, ठीक है ना। इसमें आपके नाम की देख सकते हैं ब्रांडिंग हो जाएगी। जैसे अभी हमारे क्लाइंट है संभल के, उनके क्वालिटी डेयरी करके ये हमने इनकी ब्रांडिंग कराई है। क्वालिटी डेयरी द टेस्ट ऑफ इंडिया है ना, ये दही हांडी, ये सारा ब्रांडिंग है इसकी। यहाँ पे इनका लाइसेंस नंबर वगैरह है, और यहाँ पे एड्रेस है इनका, ये फूड लाइसेंस नंबर है, ठीक है। 5 kg के ये मटके होते हैं। इसमें हमने जो हमने दूध अपना तैयार किया था कल्चर मिला के, इसमें भर लेंगे। भरने के बाद इसको अच्छे से ओपन करके रखना होता है, इसको ओपन कर लेंगे, ओपन को ही इसमें भर लेंगे पहले दूध को, और तब इसके अंदर रख देंगे। देख सकते हैं इस टाइप से हम इसको रखना होता है, सारे मटकों को ढक्कन ओपन करके रखना होता है शुरू में। जब ये सारे मटके में फिल हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, इसको इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे बंद करने के बाद में अपना हीटर इसका स्टार्ट करना है। हीटर जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ टेम्परेचर शो हो जाएगा। इसमें 40 to 45 आप जो सेट करेंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। जब 40 to 45 आ जाएगा ये ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। इसको मेंटेन करेगा 4 घंटे के लिए, आपको इंक्यूबेशन चलाना होता है। जब 4 घंटे हो जाएंगे तब आपको इसको बंद करना है, फिर उसका जो कूलिंग वाला सेक्शन है इसको स्टार्ट कर देना है। कूलिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करने के बाद में आपका पहले 1 से 1.5 घंटे में आपका जो 45 degrees का टेम्परेचर था वो आपका 20 degrees आ जाएगा। फिर अगले 1 से 1.5 घंटे में आपका 4 degrees तक उसको मेंटेन करना है। यानी कि टोटल अगर हम टाइमिंग की बात करें, 4 घंटे हीटिंग टाइम लेगा और 4 घंटे कूलिंग, यानी कि 8 घंटे का एक साइकिल होता है जिसमें आपका एक बैच रेडी हो जाएगा, ठीक है। जब इसका दही का टेम्परेचर 4 degrees आ जाए, चाहे तो आप इसमें इसको रखा रहने दे सकते हैं, अगले दिन आपको मार्केट में सेल करना है तो आप अगले दिन मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा बैच लगाना है तो आप क्या करेंगे, इसको ये वाला बैच उठा के आप इसको डीप फ्रीजर में डाल देंगे। डीप फ्रीजर में आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें अपना नेक्स्ट बैच लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से काम कर सकता है, करता है। पूरा एसएस का बना हुआ है, देख सकते हैं ये हमारी ब्रांडिंग है इन टेक्निकल वर्क्स, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, और 8404 नंबर ये गैस है इसकी।
अगर आप भी इस टाइप के प्रोडक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं, आप चाहे इंक्यूबेशन बनवाना है, आपको चिलर बनवाना है, तो हम ये सारे प्रोडक्ट अपने बनाते हैं। डेयरी इक्विपमेंट्स के जितने भी आइटम होते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं, जिससे आपको अगर बड़ा प्लांट लगाना है बड़ा प्लांट भी लगाते हैं, छोटा प्लांट लगवाना छोटा भी लगाते हैं। पॉइस्चराइजर हुआ, आपका क्रीम सेपरेटर हुआ, आपका कोल्ड रूम हुआ, हॉट रूम हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं और तैयार करते हैं। अगर आप भी इस टाइप के प्रोडक्ट आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम अपने कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंट टेक्निक वर्क्स।